हाँ तो आज से बल्ली भाई भी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, वो भी कमजोर लोगों की कम्युनिटी छोड़ के अब थोड़े से होना चाह रहे हैं, तो देखते हैं बल्ली का कैसी क्या जर्नी रहेगी। एक रिचुअल भी रहता है, जो पहली बार आया उसको ऐसे पूरा लौट के साष्टांग करना पड़ता था, बल्ली को भी करना पड़ेगा ना। भाई अभी देख लो, हाथ से लिखना पड़ता है, लिखा पड़ी वाला काम चल रहा है। भाई जी जिन जिन लोगों की तूंद बड़ी है, फैट बढ़ा रखा है, पिछ वाले में बहुत सारा वेट भर रखा है, उनके लिए यहाँ पे ये सेशन होते हैं। तो अब वीरों का एरिया स्टार्ट हो गया है, क्या तो वाले की कोई एंट्री नहीं है। खासकर फिर आज अपन क्या करेंगे, चेस्ट डे है, चेस्ट पेन करेंगे और चेस्ट में लगभग अपन 4 से 5 एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है देखते हैं, 4 एक्सरसाइज मंडेट के 4 एक्सरसाइज काफी होती है आपकी मसल को ट्रेन करने, उसके ऊपर अगर लेना है तो फिर ऊपर आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इन 4 एक्सरसाइज लगाते हैं और उसके साथ ट्राइसेप भी लगाना होता है, तो हम 4 एक्सरसाइज 4 से 5 करेंगे बस, ज्यादा नहीं करेंगे, बंच ऑफ वॉल्यूम नहीं करेंगे उसमें ऐड, तो 4 एक्सरसाइज अच्छे से पूरी इंटेंसिटी पे काफी। थोड़ी सी भी अगर रिस्ट वीक है तो रैप जरूर पहनो, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गई थी रिस्ट, तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जब भी वेट उठाना है, जो कि हैंड मूवमेंट जितनी ज्यादा है रिस्ट पे लोड आ सकता है, वहां रैप जरूर पहनो। पोजिशनिंग है ना बार पकड़ने की या डबल पकड़ने की, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट रखो, जिससे प्रॉपर स्पीड और प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा। जैसे बार में भी हम करते हैं सीधा नहीं पकड़ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ, डबल में यही करने वाला हूँ। ये स्ट्रेट पोजिशन है, बट इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा बाहर की साइड से, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच। अरे क्लीन है
नाश्ता होता है पोहा, तो भास्कर भाई से पोहा नहीं खिला रहा है। अरे यार वो इतना ड्राई है तो क्या करें भाई? तो भी काम करो, इसमें सॉस डाल लो उसके बाद उसमें सोया वड़ी भी डाल दो प्रोटीन के लिए। वैसे तो यार प्रोटीन रिच कोई भी फूड खाना चाहिए वर्कआउट के बाद। बड़े बहुत ही भूख लग रही है तो क्या करें, जान जाने से अच्छा कुछ ही पहुंच जाए, क्यों बल्ली? सही बात भाई। उसके बाद ही भाई तो प्रोटीन लेने आज ही चलें क्या? हाँ चलते हैं। जैसे आज चलेंगे, लोअर टी शर्ट लेने भी आज ही चलेंगे यार। अब यार लोअर टी शर्ट तो दिन में नहीं हो पाएगा ना यार, जैसे नहीं हो पाएगा। जैसे ईद पे हर चीज नहीं पहनी जाती है, चट्टी रुमाल से लेके जूते तक ऐसे आज बल्दी बहरा रहा है। नहीं है नहीं ना यार, हाँ यार वहाँ थोड़ा प्रेशर रहता है, क्या लें क्या नहीं लें, कि जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, रेट है हाँ, ये रेट है वो रेट है, जल्दी जल्दी का। तो एक्चुअली हम लोग प्रोटीन लेने जा रहे हैं, बिग मसल है सारा सामान। देखो भाई बिग मसल तो नहीं लेंगे यार, यार अब इंडियन ब्रांड में फिर नहीं तो बिल्कुल ही नए हैं। जैसे अवतार अभी आया कुछ दिन पहले, एक संग्राम चॉकलेट सर का भी ब्रांड है, GNC कुछ करके है, इंडियन ब्रांड्स यही है। अपन रेट कंपैरिजन कर लेंगे भाई, 500 के चक्कर में वो तो नहीं करेंगे ना यार। जैसे जैसे तू डायमेटाइज मारेगा, ये चीज मैंने मसल में ब्लेज में देख रखी है, हल्का सा करता है और इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता। तो आप ऐसा तो मैं मान रहा हूं है ना, इसलिए लोग नहीं कहते, ऐसे ही नहीं कहते कि भाई मसल ब्लेज काम का नहीं है यार। मसल ब्लेज की तो अच्छी रिपोर्ट ही नहीं मिल रही है, फिर अब देखते हैं क्या उठाना है, वहीं पहुंच के देखेंगे। हेलो गाइस, तो आज हम पहली बार सबसे अच्छा प्रोटीन ब्रांड ऑन ट्राई करने वाले हैं। तो चार तीन से शेकर अभी अवेलेबल हैं, तो तीनों के लिए एक एक स्कूप जस्ट आफ्टर द वर्कआउट, एंड वी विल ट्राई इन द इवनिंग आल्सो बिकॉज वी वांट टू गेट मोर प्रोटीन फॉर अवर बॉडी द डायमेटाइज। सो वी आर ट्राइंग ऑन द नंबर वन ब्रांड। या